बाबला फाउंडेशन और बांद्रा के सम्राट युवा मित्र मंडल के पूरी टीम के साथ आज हम यहाँ पर एक छोटा सा गणेश उत्सव मना रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं हम लोग कि जैसे आज बड़ा शुभ दिन है, आज मोहर्रम का भी दिन है और आज यहाँ पर गणपति जी की पूजा भी हो रही है, तो ये संदेश इस मंच से हम देना चाहेंगे कि जितनी भी नफरत की राजनीति या हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति चलती आ रही है उसको अंत लाने के लिए एक छोटी सी पहल हमारे युवा मित्र मंडल भामला फाउंडेशन बांद्रा के सम्राट के आशीर्वाद से आज यहाँ पर हो रहा है। हमारे बीच डीसीपी आ गए, तो ये इनका नेचर ऐसा रहा है कि लोगों के साथ इनके संबंध जो है वो इतने अच्छे रहे कि आज एक पुलिस पब्लिक रिलेशन कैसे किया जाता है, तो मुझे ख्याल से बरगुड़े जी एक हमारे लिए मिसाल है कि वो यहाँ पर इतनी दूर से सिर्फ एक छोटे से साहब आमिर खान वगैरह, तो वहां पर की जितनी भी सोसाइटीज की बिल्डिंग का कचरा है उसको इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती है उसको कन्वर्ट करने का काम मधु पोपले जी ने किया है अपने रेसिडेंस एसोसिएशन के माध्यम से और बामला फाउंडेशन बहुत प्राउड है इस बात के लिए। ऑर्गेनिक रिसाइकल सिस्टम की एक छोटी सी एफर्ट इन्होंने जो की है कि ये पहल जो पाली ने की है पूरे मुंबई में जाना चाहिए। लोग विसर्जन कर रहे हैं बकेट्स के अंदर, बाल्टियां ले रहे हैं जहाँ छोटे छोटे गणेशाओं का गणपति का विसर्जन हो रहा है। ऑफ कोर्स बड़े जो हमारे पंडाल है जहाँ पर बड़े बड़े गणपति की मूर्तियां होती हैं वो क्ले की बन रही है, तो एक अवेयरनेस आई है और अवेयरनेस सिर्फ बात करने से ही होती है। अच्छी बात है कि आप लोग बात कर रहे हैं, अगर बात नहीं करेंगे तो अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी और अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी तो लोग कुछ करेंगे नहीं, तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और भामला फाउंडेशन को हार्दिक शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूंगी आप लोग जो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम ना तो सिर्फ इनको टीवी में बल्कि इन बड़े पर्दे में देखे हैं, अच्छी अच्छी फिल्में यह करी है। हम आज बांद्रा के सम्राट से ही आपके लिए स्पेशल दुआ मांगेंगे कि आने वाले दिनों में आपको अच्छी पिक्चरें मिले और आप बहुत बड़े सुपर स्टार बने। भाई आपका मैं गले मिलना चाहूंगा, आसिफ भाई का मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जब से मैं नया भी था मुंबई में, बांद्रा में नया था, जब से मैंने काम करना शुरू किया तब से मैं आसिफ भाई को जानता हूँ और आसिफ भाई और बामला फाउंडेशन इनकी सारी टीम तब से इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये लोग हर उस मुद्दे पे जो हमारे दिलों में है पर कहीं ना कहीं हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की वजह से, क्योंकि हम सबको बहुत काम होता है आप लोगों को मेरे को, बट ये लोग हमारे लिए वो काम आगे बढ़ के कर रहे हैं और आज ग्रीन गणेशा जैसा एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव जो एक्चुअली मुझे लगता है कि ना कि खाली मुंबई में पर पूरे इंडिया में ऐसे इनिशिएटिव्स जब बनेंगे तब हम लोग हमारा जो असल मायने में स्वच्छ भारत अभियान है। साथियों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, ये एक शुभ समय, एक पवित्र ओकेजन कि गणेश जी हमारे दरमियान हैं। वर्ष में लगभग 2 सप्ताह गणेश उत्सव का जो उत्सव रहता है मुंबई जैसे शहर में और पुणे जैसे शहर में विशेष तौर पर, हम मुंबई में देखते हैं अपने जो भी ओवरऑल लोग अपने मन में सोच के लिए रखते हैं वो कहीं ना कहीं पूरा हो और सबसे ज़रूरी है अगर थोड़ी सी क्या कहते हैं बिलीफ के साथ और श्रद्धा के साथ अगर हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी ध्यान दें, जो आसिफ जी बखूबी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड हम सबको वो सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और ग्रीन रहेगा वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए ही है और उससे हमारे गणेश जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यू नो अपने विसर्जन करते हो तो उनकी भी थोड़ी सी अच्छे तरीके से हो जाती है एंड खत्म होने 10 दिन निकल गया किसी को पता भी नहीं चला और काफ़ी अच्छा माहौल बना रहता है जब यू नो गणपति दिवाली ये सारी चीज़ें आती है तो हमें भी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू आसिफ जी मुझे बुलाने और यू नो मुझे भी यू नो एक फेस्टिवल नहीं एक क्या कहते हैं एक जो उत्सव और त्यौहार के साथ ही साथ कुछ अच्छे चीज़ों का हिस्सा बनाने के लिए और बताने के लिए कि हम ऐसे भी गणपति सेलिब्रेट कर सकते हैं बिना इन्वायरमेंट को हार्म करे, बिना मरीन लाइफ को हार्म करे। सो यस, लास्ट के 2 दिन बचे हैं, सब लोगों जितनी प्रार्थनाएं करनी है कर लो। थैंक यू एवरीवन। मैम, बामला फाउंडेशन द्वारा ग्रीन गणेशा का इधर दर्शन आपने भी लिया, आपको कैसा फील हो? सी जब हम
भगवान के दर्शन करते हैं वो कोई भी हो, इट्स अ मैटर ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. और मिराज जी ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है कि जब भी हम कोई चीज़ ऑर्गेनिक करते हैं, इको फ्रेंडली करते हैं, तो वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है. And I think this is an eco-friendly Ganesha, and this will promote for people to not do all nuisance. Or जब हम ये ख़त्म हो जाता है, वी सी के बीच पे ना बहुत गंदा होता है. सो आई थिंक ये एक ह्यूमैनिटी के तौर से देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड अ स्टेप फॉरवर्ड टू सर्विंग द पीपल एंड इट्स अ गुड सोशल वर्क ऑल्सो. हमेशा से आसिफ पांडा के द्वारा एक पर्यावरण एनवायरमेंट को लेकर के बहुत सीरियसनेस अवेयरनेस लोगों के बीच जागरूक करेंगे. देखिए जब ये सीरियस जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की, जैसे हम अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, जब आसिफ भामला फाउंडेशन कोई भी कार्यक्रम करता है तो वो डेफिनेटली जनता के बीच जाने के लिए और उनके विचार, अपने विचार दोनों का समावेश करके एक एक नई धारा को जन्म देना है. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड. Yeah, I want all of you not to please throw things, papers, polythenes here and there. Please, agar aap darshan karne jaye to apna ek tissue paper rakhe jaise maine rakha hai. Aur please be organic and save the environment like the Ganesha says. Thank you. Thinking about our survival and our children's survival. गुरमीत जी, ज़्यादातर देखा गया है कि आसिफ मामला जी एनवायरमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस काम करो और पर्यावरण के भी काफ़ी अपफ्रंट में काम करते हैं. क्या कहना है? देखिए आसिफ मामला जी हमेशा, मैंने उनको दिनों के सालों से जानता हूँ, तो हमेशा लोगों की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम करते हैं. और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि आसिफ मामला जी को जानता हूँ और उनके द्वारा हमारे पूरा सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा होगा, ये बहुत बड़ी बात है. रही गणपति जी की बात, इको फ्रेंडली गणपति जी इतने बड़े रखे हैं, हमने हमेशा सोचा है कि छोटा इको फ्रेंडली हो सकता है. मुझे लगता है ये शुरुआत है कि हम जो बीच या कोई भी बीच गंदा ना करें और इको फ्रेंडली विसर्जन करें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने ये शुरुआत की है और हम सभी उनके साथ. पल्टन मैं देखिए पल्टन रिलीज हो गई है, देशभक्ति पे फिल्म थी, जे पी दत्ता की फिल्म थी, इंडिया चाइना वॉर पे थी. और जे पी दत्ता जब भी फिल्म बनाते हैं वॉर पे, देश के ऊपर, वो लोगों को बहुत पसंद आती है, तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है. और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि फौजी का किरदार करने को मौका मिला. मैं सभी फैंस को यही कहना चाहूँगा कि बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा, आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए और ब्लेसिंग देते रहिए. थैंक यू. रोलिंग. अशोक पटेल सर, आप बांग्ला फाउंडेशन और युवा मित्र मंडल द्वारा ग्रीन गणेश गणेश जी के दर्शन करने के बाद जो फीलिंग आ रही है वो हमें लगता है कि जो भी परेशानी है हमारी लाइफ में वो संभाल लेंगे आप, हमें ताकत और क्षमता देंगे कि हम जो भी घटनाएँ का सामना कर रहे हैं फेस करने का स्ट्रेंथ देंगे, तो वही फीलिंग आ रही है. और ख़ास करके मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आसिफ भाई पटेल मेरे काफ़ी करीब सालों से जानता हूँ, मैं इसी एरिया में रहता हूँ. लेकिन इस बार जो ग्रीन इनिशिएटिव दिया है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है. नॉट ओनली जो गणेश जी का जॉइन है इको फ्रेंडली है, लेकिन उन्होंने बांग्ला फाउंडेशन और एक्चुअली 6-7 जगहों पर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जहाँ पे विसर्जन हो, तो प्रदूषण होगा नहीं समुद्र के अंदर. देखा गया अमित सर के बांग्ला फाउंडेशन द्वारा काफ़ी सीरियस उनका पर्यावरण को लेकर काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई. काश हम सभी इस चीज़ को फॉलो कर पाते तो हमें पोल्यूटेड और ऐसे वातावरण में जीने की जरूरत नहीं पड़ती. जो डिजीज़ हो रहे हैं हमारे पानी में, पानी के जरिए जो डिजीज होते हैं, खाने के जरिए डिजीज होते हैं, ये हमारी वजह से हम लोगों ने वातावरण को खराब किया है. सो वी ईच वन टेक्स इनिशिएटिव, हर एक छोटा सा स्टेप ले अपने वातावरण को साफ, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे एनवायरमेंट को हानि पहुँचे. इन अ ग्रेट वर्ल्ड एंड लीव गुड वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन. सर लास्ट क्वेश्चन टू यू, एनी मैसेज टू योर फ्रेंड्स?
यही कि गो ग्रीन गो क्लीन प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट इट इज़ योर एनवायरनमेंट आपके पुश्तों के लिए ये एनवायरनमेंट आपको ही बरकरार रखनी है प्रोटेक्टेड बिकॉज़ योर चिल्ड्रन आर द वन हू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड आफ्टर थैंक यू आपका स्वागत है यहाँ पर बाबा फाउंडेशन और युवा मित्र मंडल द्वारा रखा गया पीछे गणेशा में आपके दर्शन लिए बाबा के आपको कैसा लगा देखिए युवा मित्र मंडल और बाबा फाउंडेशन मैं धन्यवाद कहूँगा और उनकी कोशिश किसी तरह से एक उत्सव को और ज़्यादा बढ़ावा दे और लोगों को एक लोगों के मन में एक ऐसी भावना पैदा करें मित्रता की भावना जहाँ हमें गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हो और इसके साथ साथ हमने एक दो संदेश और भी दिए हैं इन्वायरमेंटल के संदेश दिए हैं कि हम स्वच्छता का संदेश देते हैं और ये कि गणपति बाप्पा के जरिए हम अपने तमाम बच्चों को सभी बीमारियों को सभी कष्टों को भूल कर उनसे आशीर्वाद लेकर आने वाले दिन हमारे लिए उज्ज्वल हो और सफलतापूर्वक हो शांति के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें मुझे लगता है कि गणेश बाप्पा का जो दो सप्ताह का ये उत्सव है ये इसके बाद के जो 50 सप्ताह होते हैं तक उसका आशीर्वाद बरकरार रहता है और मुंबई के लिए गणेश गणपति बापा का आशीर्वाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्वक है मैं इन सबका बहुत बहुत मन से अभिनंदन करता हूँ और गणपति जी के आशीर्वाद के साथ आप सब जाने Sana is also coming. Siddharth ji, Bamla Foundation and Yuva Mitra Mandal द्वारा रखे गए ग्रीन गणेशाम के आपने दर्शन लिए How do you feel? I feel really honored firstly कि आसिफ भाई जो हमारे बड़े भाई और बहुत अच्छा काम करते हैं और इन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ पे और ग्रीन गणेशा एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मुझे लगता है कि मुंबई में नहीं आसिफ भाई पूरे इंडिया में होना चाहिए पीपल अवेयरनेस स्लोली स्लोली बढ़ेगी क्योंकि जो चीज़ हम लोग अपनी रोज की लाइफ में नहीं कर पाते अपनी गाड़ियों से उतर के लोगों को नहीं समझा पाते वो ये लोग अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू समझा जाते हैं और एक्चुअली में आसिफ भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इन चीज़ों से एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं हर साल आपके साथ खड़ा हूँ हर दम आपके साथ खड़ा हूँ एंड बीट टुगेदर विल बीट आसिफ बामला जी द्वारा अक्सर अवेयरनेस जागरूक की गई है लोगों के बीच एनवायरमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस है पोल्यूशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी जागरूक किया लोगों को उस पर आप क्या कहेंगे बामला मैं यही कहूँगा जो मैं पहले भी कह चुका हूँ आई थिंक जब से मैं आसिफ भाई को जानता हूँ जो कि काफ़ी टाइम हो गया है बामला फाउंडेशन ने हमेशा से ही बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही यूथ को इंस्पायर करने वाला काम किया है क्योंकि खुद भी आई थिंक बामला फाउंडेशन की पूरी टीम और हमारे आसिफ भाई भी सारे यूथ ही हैं सब जवान लोग और अच्छा काम कर रहे हैं और आसिफ भाई मैं ऊपर दुआ करता हूँ कि आप लोगों का काम हमेशा और ही और अच्छा होता है मैसेज टू योर फ्रेंड्स मैं बस यही बोलना चाहूँगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन एंड सपोर्ट इनिशिएटिव्स लाइक ग्रीन विलेज थैंक यू Thank you.
इम्पॉर्टेंट अपनी जो अपने आस पास की जो रखो रिस्पेक्ट योर गॉड दैट्स डेफिनेटली देयर द फेथ हैज़ टू बी देयर बट अगर उसके साथ ही साथ अगर हम इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ कर सके तो नथिंग लाइक दैट सो कीप क्लीन एन्वायरमेंट ग्रीन एन्वायरमेंट मैम बामला फाउंडेशन एंड युवा मित्र मंडल द्वारा ग्रीन गणेशा जी के आपने भी दर्शन लिए कैसा लग रहा है आपको बहुत सुंदर गणपति बप्पा की मूर्ति है और गणेशोत्सव के समय बहुत अच्छा दिन भी है आज मुहर्रम है और आज गणपति के दिन मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ और भामला फाउंडेशन हमेशा एक अच्छे कॉज के साथ जुड़ा रहता है इस बार उनका कॉज ग्रीन गणेशा है और ये अवेयरनेस युवा पीढ़ी में फैलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को ये नहीं पता रहेगा तो वो लोग इसको आगे कैसे लेकर जाएंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा सो एक बहुत अच्छा कॉज है उसके साथ जुड़ने मुझे बहुत अच्छा और अक्सर देखा गया भामला फाउंडेशन द्वारा एक पोल्यूशन हो गया एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत अच्छी अवेयरनेस फैलाई गई है उस पर आप क्या कहेंगे अच्छी बात है क्योंकि कोई तो फिक्र कर रहा है आगे की युवा पीढ़ी के लिए वरना हम लोग कुछ छोड़ के ही नहीं जाएंगे हमारे बच्चों के लिए हमारे बच्चों के लिए अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम उनके लिए क्या छोड़ के गए एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स फॉर योर फैंस प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू एंड हाउ यू यूज़ एवरीथिंग दैट यू यूज़ इन योर डेली लाइफ वो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है माचिस की तीली हो सकती है कचरे का डब्बा हो सकता है आपका प्लास्टिक हो सकता है कुछ भी हो सकता है अगर आप किसी भी चीज़ को केयरफुली यूज़ करेंगे और अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे तो आप अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर जाएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आगे के समय की सोचें सिर्फ इस समय की ना सोचें थैंक यू